जनसत्ता फटाफट की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के आश्रम पर अचानक आधी रात में मैनपुरी पुलिस ने छापेमारी कर दी। इस दौरान एसपी सिटी सीओ के साथ पुलिस टीम आश्रम पहुंची थी। पुलिस टीम आश्रम के अंदर करीब एक घंटे से ज्यादा तक रही। अफसर जब बाहर निकले तो कहने लगे कि हम सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए आए थे, बाबा अंदर नहीं है, अंदर सिर्फ 50 से 60 महिला और पुरुष श्रद्धालु मौजूद है। रोहित शर्मा की वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम 4 जुलाई को चार्टर फ्लाइट से बाबाडोस से दिल्ली आ गई है। 29 जून को साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम बैरल तूफान के कारण बाबाडोस में फंसी हुई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय टीम का काफी ही शानदार रूप से स्वागत हुआ और सारे खिलाड़ियों के लिए खास नाश्ते का भी आयोजन किया गया है। नीट पेपर लीक के मामले में सदन में जमकर हंगामा हुआ। सड़कों पर छात्र संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि मामले की जांच में जुटी सीबीआई को एक और कामयाबी मिली है। संजीव मुखिया गैंग के आरोपी अमन सिंह को दबोच लिया गया है। उसे झारखंड के धनबाद से सीबीआई ने अपनी हिरासत में ले लिया है। मौसम विभाग के अनुसार भारत में बारिश के लिए पूरा माहौल बना हुआ है, लेकिन मॉनसून रेखा के करीब नहीं आने के चलते अच्छी बारिश नहीं हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 जुलाई तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल, असम, बिहार, मेघालय और त्रिपुरा में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी समारोह की शुरुआत हो चुकी है। कल यानी कि 3 जुलाई को अंबानी परिवार के निवास एंटीलिया पर मामेरू सेरेमनी का आयोजन किया गया था, जिसके साथ ही शादी समारोह की शुरुआत हो गई है। अंबानी के यहाँ इस मामेरू सेरेमनी में कई सारे बॉलीवुड सितारों ने शिरकत की। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की फैन को एक्टर के नाम पर ठगों ने 50 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। मीनू नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने पूरी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की। उसने चैट के सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिसमें खुद को एक्टर का करीबी बताकर ठगों ने उसे इनसाइड इन्फॉर्मेशन देने के बहाने लाखों रुपए ऐंठ लिए हैं। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ को गिफ्ट देने के बहाने भी हजारों रुपए लूट लिए गए हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।